कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बैजनाथ में बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को पूरे साल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उठाने के लिए सौर सिंचाई योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत सौर पंपों से सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पंपिंग मशीन लगाने हेतु 90% की सहायता का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने नूरपुर में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कहा कि सामुदायिक स्तर पर कम से कम 5 किसानों के समूह पंपिंग मशीन लगवाने हेतु सभी वर्गों को 100% व्यय सरकार द्वारा वहन का प्रावधान भी किया गया है। योजना के अंतर्गत 1 से 10 हाउस पावर तक के सौर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और उनके हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बंदरों एवं जंगली जानवरों से फसलों के बचाव के लिए किसानों को सौर ऊर्जा एवं विद्युत संचरित बाड़ लगाने के लिए उपदान दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को व्यक्तिगत तौर पर सोलर बाड़ लगाने पर 80% तथा सामूहिक रूप से सोलर बाड़ लगवाने पर 85% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में कृषि का अहम योगदान हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रणाली रासायनिक कृषि का श्रेष्ठ विकल्प है। ये प्रणाली सुरक्षित है तथा इसमें किसानों की आय दुगुनी करने की क्षमता भी है। इस प्रणाली के अंतर्गत उपदान लागत शून्य होती है और उत्पाद जहर मुक्त होता है। इससे जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, पानी के कम उपयोग की आवश्यकता पड़ती है, मात्र कीटों का बचाव होता है तथा उत्पादों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। 10 एडीओ के पोस्टर निकाला है, पीछे वाला ईओ से पोस्टर निकाला है, इंट्रूज हो चुका है, कोर्ट स्टे हो गया है। जैसे कोर्ट से पोस्ट स्टे कटेगा, इमीडिएटली हम जो है ईओ के पोस्टर भरने वाले हैं। एडीओ के 110 पोस्टर निकाल चुका हूं मैं, हम वो जल्दी पोस्टर भरेंगे। आपने ठीक है, पोस्टर बहुत से पोस्ट हिमाचल में निकल दी, पोस्टर खाली है। आपने जो कहा विषय मेरे ध्यान में विषय है, हमने इस बार बड़ा बंगाल जो आपका किन्नौर सिरमौर का इलाका है, बहुत से गिरिपार है आपका, बहुत से ऐसे इलाके हैं, मलाना है, उन सभी का जो है हमने सर्वे करके जो है स्टडी कर रहे हैं। भारत सरकार को हमने स्कीम भेजा है, उसमें कम से कम जो है आइडेंटिफिकेशन चाहिए जनजाति इलाके होने का, या तो वो उनका जनजाति इलाके जो है उसमें 5 कंडीशन हैं। हम सर्वे कराते हैं, हमने गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश रिसर्च को जो यूनिवर्सिटी वालों को रिसर्च करने के लिए कहा था, उन्होंने रिपोर्ट, हम रिपोर्ट भारत सरकार को एक बार भेज चुके हैं कि जो है बड़ा बंगाल का इलाका है आपका, गिरिपार जो आपका इलाका है सिरमौर का है आपका, ये मलाना है आपका, ये क्या कहते हैं चौहार वैली है, ये हमने 5-6 जगह भेजे ट्रैवल इलाके घोषित करने के लिखा है। अब भारत सरकार जो है ट्रैवल इलाके घोषित करने से पहले जो है कुछ नॉर्म्स देती है, जैसे गद्दियों को हमने 2003 में ट्राइबल घोषित किया है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उनके सिमिलरिटीज थे, उनके पूर्वज यहाँ पर आ चुके थे, उनके इसलिए वो बहुत जल्दी डिक्लेयर होने में उनको जो है सहायता मिला। यहाँ पर जो उन्होंने सर्वे करने के लिए कहा, हमने हिमाचल प्रदेश रिसर्च कॉलेज यूनियन को जो है यूनिवर्सिटी में ट्राइबल स्टडीज है उसको रिसर्च करने के लिए कहा, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, हम रिपोर्ट भारत सरकार भेज चुके हैं 3 बार। एक हाटी समाज है गिरिपार समाज आपका सिरमौर में, उनका भी स्टडी करें हम लोग, हम भारत सरकार को हमने भारत सरकार को रिपोर्ट भेज चुका हूँ मैं। हम तो चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोदी चाहते हैं, आपके यहाँ के विधायक प्रेमी जी बेचारे खुद मेरे पास आए कि सर ये हमारा इलाका इस बार रोड कटा रहा, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर गए, मुझे 2 बार मिलने आए। मैंने उनको भी आश्वासन दिलाया था कि प्रेमी जी हमने प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी चाहते हैं कि ये एरिया जो है ट्रैवल एरिया घोषित हो, ताकि इनको बेचारे वहाँ पर विकास हो सके।